हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला भाई i20 अपनी जो पुरानी वाली आती थी भाई, जो इस टाइम जनरेशन चल रही है उससे पहले वाली i20 है भाई ये वाली। और ये मेरी खास करके भाई बहुत फेवरेट गाड़ी रही है, मतलब मेरे को बहुत पसंद है भाई ये वाला i20 का जो आता था। अब बात करते हैं भाई स्टार्टिंग में इसकी की तो कुछ ऐसी की आपको देखने को मिल जाती है अपने i20 में। अब देख सकते हो फ्लिप की इसमें मिलती है भाई। अब बात करते हैं इधर आके इसके हेडलैम्प्स के बारे में। तो यहाँ पे भाई ये देखने में तो ऐसा लगता है इसके DRL से, लेकिन भाई ये इसमें DRL नहीं है, ये अपने ऐसे दे रखा है बस थोड़ा सा लुक को एनहांस करने के लिए। हेडलाइट का, हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे मिलती है भाई हेलोजन बल्ब, आपको इसमें मिल जाते हैं देखने को। तो इसमें आपको यहाँ मिलते हैं हेलोजन। नीचे की तरफ आते हैं फॉग लैंप्स, तो भाई फॉग लैंप भी आपको इसमें अपने येलो ही मिलते हैं हेलोजन। अब बात करते हैं भाई इसकी ग्रिल की। तो पहले तो यहाँ पे आपको देख सकते हो नीचे की तरफ आपको यहाँ ग्रिल मिलती है, यहाँ पे आपको ग्रिल के पूरे अराउंड मिल जाता है क्रोम का पार्ट, इसमें आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। अब साइड लुक की अगर बात करें तो भाई साइड लुक कुछ ऐसा आता है हुंडई के i20 के जो पहले आते थे भाई। अब बात करें इधर तो भाई इस वाले वेरियंट इसमें एलो व्हील आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें आपको स्टील रिम ही मिलते हैं, व्हील कैप आपको इसमें मिल जाता है। अब टायर साइज की इसमें बात करें तो यहाँ पे इसका जैसा कुछ टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है, 14 इंच का इसमें व्हील मिलता है, आपको 70 की प्रोफाइल मिल जाती है और 185 आपको इसका टायर साइज मिलता है। अब बात करते हैं इस तरफ तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इसमें वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर के वॉल्यूम आपको इसको देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको इसमें नहीं मिले दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें भाई क्रोम डोर हैंडल आपको भाई ये वाले जो हैं ये कंपनी से नहीं आए हैं, ये आफ्टर मार्केट है देख सकते हो। तो इसमें भाई बॉडी कलर के ही आते हैं, ये भाई क्रोम वाली एक्सेसरीज लगवाई हुई है भाई जिनकी कार है। तो अब बात इधर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसके वेरियंट की बैजिंग भाई, यहाँ देख सकते हो मैगना CRDI। तो भाई ये है डीजल वाली, भाई डीजल मतलब डीजल वाली i20 ये है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे भाई अपने इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। अब जरा चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, अंदर जाने से पहले आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ भाई ऐसे कुछ इसमें आपको टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं भाई, ये क्रोम स्ट्रिप आफ्टर मार्केट वाली चीज़ है। तो ये है नीचे इसका इंडिकेटर भाई, कुछ ऐसे टेल लैंप्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब जरा बात करते हैं ऊपर, कुछ ऐसे इसमें आपको शार्फिन एंटीना मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बार इसका बोर्ड दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे आपका इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने को मिल जाता है भाई, बूट में थोड़ा सामान रखा है उसके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। इसमें आपको मिल जाता है अपना 356 लीटर का बूट स्पेस। अब जरा इसे बंद करते हैं, अब आपको दिखाता हूँ भाई नीचे की तरफ भाई ने आफ्टर मार्केट इसमें कैमरा भी लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ये आफ्टर मार्केट वाली चीज़ है भाई, मैग्ना वेरियंट है ये। तो अब जरा चलते हैं इस गाड़ी के अंदर चल के आपको दिखाता हूँ भाई जरा इसका इंटीरियर। तो अब हम आ गए हैं इस गाड़ी के अंदर भाई, आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें देखने को मिलता है भाई, तो लेदर रैप ये है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम और आपके इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर आपको मिल जाते हैं भाई इसके MID से रिलेटेड और अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉल पिक और कट करने के बटन मिल जाएंगे, बीच में आपका ऑन है। अब जरा बात करते हैं भाई डोर पे इसके कौन से कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको अपने ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM से इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं विंडोज की, तो इसमें आपको चारों पावर विंडो मिलती है, ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो, वन टच अप और डाउन मिलती है देखने को। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको बोतल का थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अब इधर यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेवल और मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई MID की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ ऐसा मिलता है, इसमें एक MID मिल जाती है आपको, इधर आपका टैकोमीटर, इधर आपका स्पीडोमीटर। अब इधर आते हैं तो आपके मैनुअल AC इसमें आपको मिलता है, आपका हजार्ड लाइट्स का बटन है, ऐसा कुछ इंफोटेनमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भाई AC, तो इसमें देखो सारा मैनुअल काम जाम है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 वोल्ट का अपना चार्जिंग सॉकेट, इधर आपका इंफोटेनमेंट से रिलेटेड आपको अपने सॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट मिल जाते हैं, ये अपना USB का और इधर अपना ऑक्स का। अब गियर लीवर की बात करें तो भाई इसमें आप देख सकते हो आपको 6-speed अपना मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलता है, डीजल वाली भाई i20 में जाती थी पहले। अब इसमें भाई इधर बात करें तो कुछ ऐसा आपको अपना हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है अपने कप वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको आर्मरेस्ट इसमें मिल जाता है भाई जो कि स्लाइडिंग नहीं है, अपना स्पेस इसमें आपको डिसेंट सा मिल जाता है। अब इधर बात करें IRVM भाई, ये जो है भाई ने आफ्टर मार्केट मतलब इसमें काम कराया हुआ है, इसमें भाई का रिवर्स पार्किंग कैमरा भी चलता है। अब इधर आते हैं तो भाई यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, इधर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपको डिसेंट सा स्पेस देखने को मिल जाता है। इधर मिलती है आपको देखो एयरबैग की बैजिंग। AC वेंट्स की बात करें भाई, कुछ ऐसे AC वेंट्स आपको देखने को इसमें मिलते हैं भाई। अब अगर बात करें भाई पीछे वाली सीट्स पे चलते हैं, आपको इसके पीछे वाली सीट्स पे स्पेस दिखा देता हूँ, इसमें कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है।
तो अब हम आ गए हैं इस गाड़ी के भाई पीछे वाली सीट्स पे। पीछे वाली सीट्स पे स्पेस आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिलता है। अंडर भाई इतने तो सपोर्ट आपको थाई सपोर्ट अच्छा खासा इसमें दिया गया है। लॉन्ग ट्रिप पे आप ऐसी इस गाड़ी में आराम से जा सकते हैं। लेग रूम आप देख सकते हो ठीक ठाक है। आगे वाली सीट भाई एकदम मस्त पूरी लिटा रखी है आगे बढ़िया करके, मतलब जो भैया ड्राइवर जैसे मतलब जो चला रहे थे उनके हिसाब से भैया ने मस्त लिटा रखी थी पूरी सीट। तो लेग रूम फिर भी आप देख सकते हो अच्छा खासा भी है। हेड रूम भाई ठीक ठाक इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे आपको यहाँ इसमें मिलता अपना फोर ट्विटर फोर स्पीकर का साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये अपना एसी का बटन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको बोतल का स्पेस भाई नहीं मिलता, थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। इधर आपके स्पीकर की हो जाती है प्लेसिंग। अब अगर भाई बात करते हैं पीछे, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता मतलब सीट। और अगर ऊपर की तरफ बात करें हेडरेस्ट, तो भाई हेडरेस्ट जिसमें आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं आपकी सीट में है। अब अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रियर एसी वेंट्स भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ रियर एसी वेंट आपके देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चार्जिंग का सॉकेट आपको पीछे नहीं मिलता है भाई। एक चीज़ और दिखा देता हूँ लास्ट, आपने इसको यहाँ पे अपना यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर। आप बात कर लेते भाई इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको मिलता अपना 1.4 लीटर का डीजल इंजन। CRDA की आपको सामने मैजिंग दिखी होगी इंजन पे भाई। अब अगर बात करें भाई इसके पावर फिगर्स की, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गए होंगे नीचे। तो भाई इस गाड़ी में जितनी चीज़ें जब मैंने आप लोगों को दिखा दी, तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अब ज़रा भाई वीडियो एंड करने से पहले ज़रा भैया का ओनरशिप रिव्यू ले लेते हैं। तो भैया यहाँ पर आ जाइए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि i20 जब आपने ली तो आपको कितने महीने मतलब कितने टाइम की बुकिंग मिली थी? ब्रो इसकी वेटिंग अप्रॉक्स 1 वीक की चल रही थी, हमें 1.5 वीक्स मिली थी। तो मतलब ऑप्शन में जैसे और भी गाड़ियाँ थी, तो आप सोच के बैठे थे कि i20 ही? i20 बेस्ट सेगमेंट है वैल्यू फॉर मनी, और उसमें देखा जाए इसके कंपैरिजन में बहुत गाड़ियाँ थी। लाइक मेरे फादर का प्रेफरेंस था ETO's का, बट स्टिल मैंने ही प्रेफर की जस्ट बिकॉज ऑफ लुक इंजन एंड पावर। तो भाई को मतलब i20 दिल से ही पसंद थी। अब अगर बात करें ये पेट्रोल है डीजल है? डीजल है। तो डीजल में भाई पावर का तो मजा अपना लग ही आता है, डीजल इंजन का पावर का अलग ही फील आता है। तो अब अगर बात करें आपने कितनी ये चला दी है? अराउंड 53,000 भाई, मतलब भाई ने ये चला दी। तो भाई की अच्छी मतलब पूरी तरीके से गाड़ी को भाई जान चुके हैं। तो आप प्रेफर करोगे किसी को मतलब ये वाली i20? मतलब आनी तो बंद होगी, लेकिन अगर कोई ले, अगर कोई आज की डेट में भी जाता है कंपनी से मिले या सेकंड हैंड जाता है, वैल्यू फॉर मनी आइटम है। एवरेज भी अच्छा है इस गाड़ी का, मैं बताऊँ 4.5 ईयर्स हो गए हैं और इसका एवरेज 20 या 22 लमसम दे देती है ऑन हाईवे और नॉर्मल। तो मतलब भाई गाड़ी एक नंबर है, मतलब एक नंबर। तो भैया का आपने ओनरशिप रिव्यू देख लिया है। तो भाई आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो यहां तक देखिए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब। ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई वीडियोस आती रहेंगी। तो अब आप लोगों से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।